नमस्कार, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का एक टॉपिक है सर्बिया के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया। आज का इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कैसे आप भारत से सर्बिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे, सर्बिया का लोगों के बारे में, सर्बिया का इकोनॉमी के बारे में, सर्बिया का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में, सर्बिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर्स यानी भारत इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट सर्बिया को एक्सपोर्ट करते आ रहा है, और कैसे आपको सर्बिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स विस्तार में बताऊंगा ताकि आप इजीली सर्बिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए शुरू करते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया। सो सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, साउथ पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, एक लैंड लॉक कंट्री है सर्बिया। आपने पहले सुना होगा योगोस्लाविया एक देश था, साउथ पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड था योगोस्लाविया, काफ़ी बड़ा कंट्री था। और योगोस्लाविया का जो वार हुआ था 97, 98, 99 के टाइम पे, उस वार के बाद योगोस्लाविया काफ़ी सारे 6-7 कंट्री में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, और उसका जो मेन पार्ट था वो अभी भी सर्बिया बना। और सर्बिया का जो राजधानी है बेलग्रेड है उनका राजधानी है। सर्बिया का लैंग्वेज है सर्बियन लैंग्वेज बोला जाता है, और सर्बिया का जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 69 लाख का पॉपुलेशन है। सर्बिया का लोगों को कहते हैं, बोलाते हैं सर्बियन लोग बोलते हैं, और करीब 300 के ऊपर इंडियंस वहाँ रहते हैं। काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ काम करते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ का यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और सर्बिया में कुछ सालों से काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ का एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने के लिए जाने लगे हैं। ठीक है, सर्बिया का जो रिलेशन योगोस्लाविया, फॉर्मर योगोस्लाविया और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा था, और आज के तारीख में सर्बिया और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। और सर्बिया एक कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में लोकेटेड है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल यानी बिना वीज़ा में ट्रैवल करने को अलाउ किया हुआ है। यानी अगर आप एक इंडियन हो आप सर्बिया ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा। आप सर्बिया एयरपोर्ट यानी बेलग्रेड में एयरपोर्ट में पहुंचोगे तो आपको वीज़ा वहाँ मिल जाएगी 1 महीना के लिए। अगर आप एक टूरिस्ट हो या बिजनेसमैन हो, कुछ जरूरी काम में मीटिंग के लिए, या आप घूमने जा रहे हो सर्बिया, अगर आपके पास रिटर्न टिकट है कुछ $500 से $1000 है और आपके पास होटल बुकिंग है, तो आपको इमिडिएटली वीज़ा दे देंगे बेलग्रेड एयरपोर्ट में। आप इंडिया टू इंडियन नेशनल सर्बिया में विदाउट वीज़ा में जाकर ट्रैवल करके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशन बिटवीन इंडिया टू इंडिया एंड सर्बिया गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, और सर्बिया अपना टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना और बाकी सारे एशियन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से बुलाना चाहता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया शॉर्ट स्टोरी ऑफ सर्बिया। सर्बिया का जो इकोनॉमी कैसा है, सर्बिया का इकोनॉमी एक मिडिल इनकम कंट्री था यानी कम्युनिस्ट कंट्री था पहला। लेकिन अभी सर्बिया 2020 में अप्लाई किया हुआ है यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए, और 2024 में सर्बिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का जब मेंबर बन जाएगा, सर्बिया को ज़्यादा से ज़्यादा उनका इकोनॉमी आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ, सर्बिया में उनका जो इकोनॉमिक था सर्विस सेक्टर, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री इकोनॉमी था। यानी सर्बिया का लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, सर्विस सेक्टर में काम करते थे। लेकिन आजकल सर्बिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनते जा रहा है, यानी वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में जितने सारे कंट्रीज है वहाँ का इन्वेस्टमेंट सर्बिया में ज़्यादा है। सर्बिया का लोग काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग है और स्किल्ड वर्कर्स है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज है सर्बिया में आजकल शुरू होने लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जैसे क्लोथिंग यानी गारमेंट्स का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म सेक्टर, मशीनरीज,
काफी सारे जो इंडस्ट्रीज सर्बिया में शुरू होने लगा है, यानी सर्बिया का जो वेजेस काफी कम है और यूरोपियन यूनियन का जितने सारे रिच कंट्रीज है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, सर्बिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं ताकि उनका पैसा ज्यादा कम खर्चा हो, ज्यादा पैसा बच जाए और ज्यादा से ज्यादा कम वेजेस दे के, कम सैलरी दे के वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसीलिए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री का जो रिच कंट्रीज है, जैसे कि जर्मनी, इटली, रशिया, स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया, ये सब कंट्री का इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा सर्बिया में लोकेटेड है और वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और वो कंट्रीज इम्पोर्ट करने लगे हैं। ठीक है, सो सर्बिया का जो करेंसी है सर्बियन दिनार है। ठीक है, तो सर्बियन दिनार का वैल्यू इंडियन करेंसी में कम है। 1 इंडियन रुपीस सर्बियन दिनार आज के तारीख में 1.34 दिनार मिलेगा। ठीक है, सर्बिया का यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है, इसलिए सर्बिया का बेलग्रेड में और काफ़ी सारे उनका जो बड़े सिटीज है वहाँ पर यूरो चलता है। ठीक है, अगर आप सर्बिया ट्रैवल करते हो तो आप यूरो या और यूरो यूएस डॉलर या यूरो आप कैरी कर सकते हैं और वहाँ जाके आप सर्बियन डिनर को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्बिया का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, सर्बिया का एक डिटेल्स कि सर्बिया कहाँ पर लोकेटेड है, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ मैप में सर्बिया कहाँ पर लोकेटेड है। आप देखिए मैप में, तो सर्बिया जो एक सेंट्रल साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, सर्बिया का चारों बाजू में काफ़ी सारे कंट्रीज लोकेटेड है। सर्बिया का वेस्टर्न पार्ट में है बस्निया एंड हर्जेगोविना कंट्री है, बस्निया एंड हर्जेगोविना। सर्बिया का जो वेस्टर्न साउथ पार्ट में है मोंटेग्रो, ठीक है, और उनका साउथ में है आप देख सकते हैं कोसोवो है, और ईस्टर्न पार्ट में है सर्बिया का ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं बल्गेरिया है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रोमानिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रोशिया उसका ऊपर है, नॉर्थ पार्ट में क्रोशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना वेस्टर्न पार्ट में है। आप डिटेल्स देख सकते हैं कहां पर है लोकेटेड है सर्बिया। ठीक है, तो सर्बिया का डिटेल्स आपको बता दिया कहां पर लोकेटेड है, काफी सारे कंट्रीज उसका चारों बाजू में लोकेटेड है। सर्बिया एक पहले आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में योगोस्लाविया एक कंट्री था जो 1998 में योगोस्लाविया वॉर में काफ़ी सारे कंट्री में स्प्लिट हुआ था, तो उनका जो मेन पार्ट कंट्री का बेलग्रेड पार्ट वो सर्बिया है और काफ़ी सारे कंट्री डिवाइड हो गया, कोसोवो, अल्बानिया, जो मोंटेग्रो और क्रोशिया, बहुत सारे कंट्री डिवाइड हो गया योगोस्लाविया से। ठीक है, सो जो कंट्री आपको बता रहा हूँ मैं सर्बिया जो मिडिल ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, चारों बाजू में काफ़ी सारे उनका कंट्रीज लोकेटेड है, इसीलिए वो सी टॉच नहीं है, उनका सी पोर्ट्स नहीं है, एक लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है सर्बिया, लेकिन उनका कंट्री के अंदर काफ़ी सारे रिवर्स है, रिवर पोर्ट्स है। मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवर पोर्ट्स ऑफ सर्बिया, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका 9 पोर्ट है, सी पोर्ट्स उनके पास नहीं है। जो बेलग्रेड का जो कार्गो पैसेंजर पोर्ट है लोकेटेड उनका बेलग्रेड में, दनुबे रिवर है, दनुबे नदी है बेलग्रेड में सर्बिया में, और रिवर ऑफ दनुबे रिवर में काफ़ी सारे पोर्ट्स है, आपको मैं दिखा रहा हूँ बेलग्रेड का पोर्ट है और काफ़ी सारे रिवर पोर्ट्स मैं आप दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए लिस्ट कर लीजिए। और उनका जो एयरपोर्ट्स है सर्बिया का एयरपोर्ट्स मैं दिखा रहा हूँ, 5 मेजर बड़े एयरपोर्ट्स है इन सर्बिया, बेलग्रेड निकोला टेस्ला एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट बिजनेस एयरपोर्ट है, बाकी सारे मोरोभा एयरपोर्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्बिया का, आप देख लीजिए। सो हमेशा मैं आपको हर कंट्री का वीडियो जब बनाता हूँ मैं हमेशा उस कंट्री का एयरपोर्ट्स सी पोर्ट्स के बारे में दिखाता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, आपको एक आइडिया आ जाए, आपको नॉलेज आ जाए कि उस कंट्री को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मालूम होना पड़ेगा कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट का रूट क्या है
कहाँ पर एयरपोर्ट है, कितने सारे एयरपोर्ट है, कितने सारे सीपोर्ट है। तो जैसे आपको बता दिया, सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, सर्बिया का चारों बाजू में काफ़ी सारे कंट्रीज है, उनका सी के साथ समुंदर के साथ टच नहीं है, इसलिए उनका सी पोर्ट्स नहीं है। लेकिन कंट्री के अंदर जब दनूबे नदी है, दनूबे जो रिवर है, रिवर का काफ़ी सारे पोर्ट्स है, तो मैंने आपको रिवर पोर्ट्स का दिखा दिया, रिवर का कितने सारे पोर्ट्स दिखा दिया, और सर्बिया का कितने सारे पाँच बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखा दिया। आप नोट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या आपका नोटबुक में, या आपका नोटबुक में, ताकि आपको आगे काम आएगा जब आपको सर्बिया का कुछ एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इंडिया टू सर्बिया जब आप कोटेशन बनाओगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर एयरपोर्ट लोकेटेड है, कहाँ पर उनका सी पोर्ट्स पोर्ट्स लोकेटेड है, ताकि आप इजीली उनको कोटेशन भेज सकते हैं इम्पोर्टर्स को, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताऊँगा सर्बिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। पहले मैं बताता हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्बिया एक्सपोर्ट्स एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्बिया इंपोर्ट्स। सर्बिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। सो उनका जो सर्बिया द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्बिया एक्सपोर्ट्स है, मोटर व्हीकल्स है, नॉन फेरस मेटल्स है, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट है, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट, कॉर्न, वेट, बार्ली, सनफ्लावर, सोया एंड सुगा बीट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, क्लोथिंग मशीनरी, प्लास्टिक, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर, ठीक है, सीरियल्स, आयरन स्टील, कॉपर, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये सर्बिया एक्सपोर्ट करता रहता है टू द यूरोपियन यूनियन और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और उनका इम्पोर्टिंग इम्पोर्ट क्या करता है प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्बिया इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट में उसका जो मेजर प्रोडक्ट है प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट है, मशीनरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मोटर व्हीकल्स और बेसिक मेटल्स। ये है उनका इंपोर्टिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, इंपोर्ट करता रहता है प्रोडक्ट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड और यूरोपियन यूनियन और ईस्टर्न यूरोप में। तो आप देख लीजिए, सो आपको मैंने बता दिया कि सर्बिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट आप सर्बिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया। तो अभी आपको मैं बताऊंगा इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट सर्बिया को एक्सपोर्ट करता है। तो आइए देखिए स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू सर्बिया। सो इंडिया और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं सर्बिया को मैं दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, व्हीकल्स अदर देन रेलवे, ट्रामवे, ऑयल सीड्स, ठीक है, और प्लास्टिक से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सिरामिक प्रोडक्ट है, ऑप्टिकल, फोटोस, टेक्निकल, मेडिकल अपैरेटस, ट्रैक्टर्स, कॉटन यार्न, पॉलीमर एंड बिल्डिंग स्टोन, मोज़ाइक वगैरह एक्सपोर्ट करता रहता है। ट्रैक्टर काफ़ी से ज़्यादा ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडिया टू सर्बिया एक्सपोर्ट होता रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्रीकल्चर का सेक्टर वहाँ आगे बढ़ने लगा है, ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल से और बिटुमिनस मिनरल्स से। काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट में, फर्स्ट सेकेंड पेज में, आप वन बाय वन देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू सर्बिया, ठीक है। सो मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया यानी इंडिया का एक्सपोर्टर सर्बिया को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू सर्बिया एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। और आपको अगर आपका सिटी में, आपका स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास नॉलेज है, वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप सोच करके आपका सिटी स्टेट से आप सर्बिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप हमारा इंडिया का काफ़ी सारे चार पांच बड़ा ट्रेड पोर्टल से indiamart.com, tradeindia.com और exportersindia.com, ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट्स के जरिए आप सर्च करके इंडिया का कोई भी स्टेट से प्रोडक्ट सोर्स करके सर्बिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू सर्बिया एक्सपोर्ट कर पाओगे, डिटेल्स बता दिया, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट
हो रहा है इंडिया टू सर्बिया, आपको नॉलेज मैंने दिखा दिया, बता दिया। और अगर आप कोई नया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सर्बिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि सर्बिया एक यूरोप में लोकेटेड है, परचेसिंग पावर है लोगों के पास, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर बनने जा रहा है सर्बिया, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ जाके मार्केट बनाना पड़ेगा इन सर्बिया, ठीक है। सो अभी आपको मैं बताऊंगा सर्बिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम सर्बिया। सो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस कंट्री से, जो कंट्री का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, ज़्यादा करके ये एक्सपोर्टर्स के लिए, नया एक्सपोर्टर्स के लिए, स्टार्टअप कंपनी के लिए, क्योंकि बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेस है, बड़े बड़े एक्सपोर्ट कंपनीज है, बड़े बड़े मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है इंडिया में, उनके पास ऑलरेडी बड़े सेटअप्स है, बड़े हर कंट्रीज में उनका ऑफिसेस है, सेटअप है, और उनके हर कंट्री में उनके पास एजेंट्स है, और हर कंट्री में उनके पास जो उनका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर्स है, जो कंट्री उन कंट्री से इजीली एक्सपोर्ट ऑर्डर उनको भेजते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ हमारा इंडिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए इंडिया से, क्योंकि इस वीडियो में बनाता हूँ स्टार्टअप कंपनीज के लिए, नए एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडिया का एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि आपको फुली एक्सपोर्ट नॉलेज मिले, ताकि आप आगे आके एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप सर्बिया ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, तो आपको ऑनलाइन में कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सर्च के बाद हमने हर कंट्री का कलेक्ट करते रहते हैं कि उनका येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज, और वैसे ही हमने काफ़ी सर्च के बाद सर्बिया का काफ़ी सारे ट्रेड डायरेक्टरीज, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस और काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स कलेक्ट किए हुए हैं, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स, द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस ऑफ सर्बिया, द लिस्ट ऑफ बी टू बी ट्रेड डायरेक्टरीज और बिजनेस येलो पेजेस और क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ सर्बिया, जो आपको मदद करेगा सर्बिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। देखिए स्क्रीन में, सो ये है द लिस्ट ऑफ बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ सर्बिया, ठीक है। आप पढ़ लीजिए yel.rs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्बियन येलो पेजेस .com है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट येलो पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी सारे येलो पेजेस है, इम्पोर्टेंट पेजेस है आपके लिए, देख लीजिए आप। तो जितने सारे येलो पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितने सारे बिजनेस डायरेक्टरीज दिखा रहा हूँ, जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप क्या करिए, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका नोटबुक या नोटबुक में या नोट पेज में, आप इन वेबसाइट को पहला लिस्ट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आप पूरी साइट को लिस्ट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो क्या करिए, जैसे कि आप लिस्ट कर लिया पूरी साइट को, आप वन बाय वन साइट खोलिए, ओपन करिए, लॉगिन करिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, साइट जब खुलेगा आप इस साइट में लॉगिन करके रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद आप फ्री में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इस साइट में। और क्या करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करने के बाद आपका कंपनी प्रोफाइल को ऐड करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ट्रेडर, और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को फ्रीली एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स है सर्बिया का, तो आपको फ्री में आप कुछ पेजेस, कुछ एडवर्टाइजमेंट फ्री कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे येलो पेजेस है, काफ़ी सारे, बहुत सारे बिजनेस डायरेक्टरीज में आपको दिखा दिया, आप इस साइट में जाकर आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रजिस्टर करने के बाद, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करने के बाद, आप सर्च करना शुरू कर दीजिए सर्बिया का कंपनीज जो लिस्टिंग है, काफ़ी सारे लाखों के हिसाब से कंपनी लिस्टिंग मिलेगा। फिर आपको हर कंपनी का वेबसाइट को कलेक्ट करिए, हर कंपनी का येलो पेज ईमेल्स
कलेक्ट करिए, फिर आप आपका कंप्यूटर में एक लिस्ट कर लीजिए, फिर आगे जाके आप उन कंपनीज को ईमेल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया टू सर्बिया आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आज नहीं तो कल वो आपको जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे कि कब वो आपसे इम्पोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट प्राइसेस अच्छा है, तो जरूर वो आपसे खरीदना चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए हर वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ कि जितने सारे कंपनीज आपको बता रहा हूँ, जितने सारे येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज और B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ द कंट्री, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लिस्ट करके उसमें रजिस्टर करना आपको जरूरी है, आपका प्रोडक्ट सर्विसेस आपका प्रोफाइल ऐड करना जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में आने वाले सालों में आपका कंपनी लिस्ट हो जाएगी। सर्बिया का लोग आगे आने वाले सालों में सर्बिया का इंडिविजुअल, सर्बिया का की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, ट्रेडर, बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं साइट में बिजनेस के लिए सर्च करते रहते हैं। अगर आपको आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट येलो पेज, इम्पोर्टेंट बिजनेस मैगजीन्स, इम्पोर्टेंट सर्बियन न्यूज़पेपर्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ सर्बिया, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और बिजनेस के लिए। आइए मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो ये है सर्बिया का, द लिस्ट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, द लिस्ट ऑफ सर्बियन न्यूज़पेपर्स, द लिस्ट ऑफ बिजनेस मैगजीन्स ऑफ सर्बिया, ठीक है। ये बिज फाइल्स, बिज लाइफ सर्बिया, सर्बिया EU, ठीक है। काफी सारे ये जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट से आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप देख लीजिए इन्हीं साइट को। सो आप क्या करिए, जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट को दिखा दिया, जितने सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स आपको दिखा दिया, आप इन्हीं साइट्स को, वेबसाइट्स को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में, नोट पेज में आप लिस्ट कर लीजिए। और जब आपके पास समय है, टाइम है, एक एक वेबसाइट को खोलिए, पढ़िए। अगर सर्बियन लैंग्वेज में है, सर्बियन लैंग्वेज में आप आपका कंप्यूटर में माउस को राइट क्लिक करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, ताकि आपको सर्बिया का बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा, सर्बियन का सोसाइटी, सर्बियन का बिजनेस एनवायरमेंट, सर्बियन का कंपनीज के बारे में मालूम पड़ेगा, ताकि आगे आप सर्बिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, ठीक है। इसीलिए हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ उस कंट्री का इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उनका जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन्स, ठीक है। और इन्हीं न्यूज़पेपर्स में आपको काफ़ी सारे बिजनेस लिस्टिंग, कंपनी लिस्टिंग और क्लासिफाइड पेजेस मिलेगा, और उनमें आपको कंपनी का लिस्टिंग भी मिलेगा, ताकि आपको इजीली कंपनीज का ईमेल आईडीज, ईमेल लिस्टिंग और वेबसाइट लिस्टिंग मिलेगा, जो आपको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड में मदद मिलेगा। और इन्हीं वेबसाइट में अगर आपके पास बजट है, आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, बैनर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, कि जब सर्बियन लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं इन्हीं न्यूज़पेपर का, इन्हीं बिजनेस मैगजीन का फ्रंट पेज में, होम पेज में। और कोई भी सर्बियन लोग इन्हीं न्यूज़पेपर में ऑनलाइन में पढ़ने को आते हैं, तो अगर उनको इंटरेस्ट होगा इन्हीं, इस आपका जो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेगा तो आपका वेबसाइट में जाएंगे, अगर उनको पसंद आएगा कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज, वो आपका वेबसाइट में जाके आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, अगर आपके पास बजट है आप इसी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। और काफ़ी सारे वेबसाइट में आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं कि आप इंडियन एक्सपोर्टर हो, आप इन वेबसाइट को कॉन्टैक्ट अस पेज में और एडवर्टाइज विथ अस पेज में जाकर कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया का एक्सपोर्टर हो, आप इन वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट वो आपको बता देंगे आगे, तो आप उनको पेमेंट करके एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। ऑल्सो और इस वेबसाइट में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि आप इंडियन एक्सपोर्ट, इंग्लिश में या सर्बियन लैंग्वेज में, कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लिस्ट आप दे सकते हैं कि इंडिया टू सर्बिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो। और अगर इंटरेस्टेड सर्बियन इम्पोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर जो भी है, इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं कि वी आर द एक्सपोर्टर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया, इंटरेस्टेड सर्बियन मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट अस।
ऐसा एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में हो या सर्बियन लैंग्वेज में बना के आप इस वेबसाइट का फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो सर्बिया का जो इम्पोर्टर्स हो, इम्पोर्टर्स रहेगा, मैन्युफैक्चरर्स रहेगा, ट्रेडर्स रहेगा या होलसेलर रहेगा, अगर आपको इंटरेस्टेड होगा इंडियन कंपनी से तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, ये भी एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया सर्बिया कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे और सर्बिया से कैसे आपको इंपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, तो डिटेल्स आपको बता दिया। सर्बिया का जो बेलग्रेड में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है, आप इंडियन एम्बेसी को लिख सकते हैं गूगल में सर्च करके, तो इंडियन एम्बेसी सर्बिया का लेटेस्ट कंपनी का ट्रेड डाटा आपको भेज देंगे, तो आप लेटेस्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए। और सर्बिया में बेलग्रेड में काफ़ी सारे हर महीना एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, आप बेलग्रेड ट्रैवल करिए और वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए एज ए पार्टिसिपेंट, आपको प्रोडक्ट सर्विसेस लेके, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी ऑर्डर मिल सकता है फ्रॉम सर्बिया। सर्बिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट होने जा रहा है, काफ़ी सारे वहाँ फैक्ट्रीज खुला हुआ है और काफ़ी सारे रॉ मटेरियल सर्बिया इंपोर्ट करते रहता है, इसीलिए आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। ठीक है, और आपके पास अगर बजट है तो आप सर्बिया ट्रैवल कर सकते हैं, सर्बिया के लिए वीज़ा का जरूरत नहीं रहता है, आप ऑनलाइन डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं सर्बिया, बेलग्रेड में पहुँच के आपको वीज़ा मिल जाएगी, फिर सर्बिया में एक महीना आप रह सकते हैं, एक महीना रह के आप वहाँ का शॉपिंग मॉल्स, ट्रेडिंग कंपनीज, ग्रोसरीज कंपनीज, होलसेलर्स, बायर्स, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स, काफ़ी लोगों को मिलके आप एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं हम आपको डिटेल्स आपको बता दिया कि कैसे आपको सर्बिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको सर्बिया एक्सपोर्ट आप कर पाओगे। और हमेशा आपको बताते रहता हूँ, आपको वेबसाइट को बड़ा बनाइए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज बनाइए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के लोग उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका कंपनी के बारे में पढ़ सके। आपका वेबसाइट को बड़ा मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाइए, सिंगल वेंडर के हिसाब से बनाइए, और मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाइए, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से एक्सपोर्टर, बायर, इम्पोर्टर्स आपका प्रोडक्ट को बाय कर सके ऑनलाइन पेमेंट करके। ठीक है, और आपका कंपनी को वर्ल्ड वाइड मार्केट करने के लिए आपका साइट, आपका सिटी में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, वो ऑनलाइन मार्केट के जरिए आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड या कोई भी टारगेटेड कंट्री में मार्केट कर सके। ठीक है, अगर आपका कंपनी सॉरी आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को आप वर्ल्ड वाइड मार्केट करना चाहते हो, तो आप हमारा और एक साइट है, सॉरी और एक हमारा जो यूट्यूब चैनल है ट्यूब्रोज इंटरनेशनल, जो इंग्लिश चैनल है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करिए ट्यूब्रोज इंटरनेशनल क्या यूट्यूब चैनल है, तो आपको मालूम पड़ेगा, या हमारा उनका जो लिंक्स है हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप उस चैनल में जाकर देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को हमारा इंग्लिश चैनल में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप हमें आगे का जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट आपको करना है इंग्लिश चैनल में आप हमें लिखिए, तो आप हम आपको बता देंगे, डिटेल्स बता देंगे। हमारा वीडियो को शेयर करिए आपका फ्रेंड दोस्तों के साथ और कोलीग के साथ, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।